मूवी पर से लोहा उठा मन। आज तक कैसी रही है अरशद वारसी की एक्टिंग? जब तक हमें फिल्म में कॉमेडियन एक्टर्स नहीं दिखते हैं, तब तक फिल्म में वो फील्स नहीं आता है। भले वो मूवी थ्रिलर हो या सस्पेंस हो या कैसी भी, एक छोटा सा कॉमेडी एलिमेंट भी जचता है फिल्म और सीरीज में। और वैसे भी आजकल कॉमेडी ड्रामा फिल्में अधिकतर बन रही है, तो वैसे ही हमारे कई सारे फेवरेट कॉमेडी स्टार्स भी होंगे। अब सब में से तो मेरे कई सारे फेवरेट हैं, जैसे कि अरशद वारसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव और परेश रावल। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सितांशी कोठारी और आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग मूवी गोलमाल 5 के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब गोलमाल फिल्म फ्रेंचाइजी भरपूर है सभी की सभी बेस्ट कॉमेडी स्टार से, और उसमें से है अजय देवगन, कुणाल खेमू, अरशद वारसी और भी बहुत। ये इस फ्रेंचाइजी का 5th पार्ट होगा तो डबल धमाका दिखाई देने वाला है। अरशद वारसी की हर एक फिल्म से सभी लोग सेटिस्फाइड रहे हैं, एंड उनका एक्टिंग करने का स्टाइल और वे ऑफ डिलीवरी यानी कि जोक्स क्रैक करने का स्टाइल भी जबरदस्त है। सैड से सैड सिचुएशन में भी अगर वो जोक्स मार दे तो सब फुट फुट के जरूर हंसेंगे। वैसे ही कुछ लेकर आ रही है ये टीम और रोहित शेट्टी फिर एक गोलमाल सीरीज, तो रेडी हो जाए एक डबल धमाका देखने के लिए। अभी हाल ही में हमें अरशद वारसी दिखे थे अक्षय की फिल्म है जिसका नाम है बच्चन पांडे, बट इस मूवी की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई और साथ ही साथ सभी स्टार्स के भी। तब इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने कहा कि ये फिल्म हिट गई है, तो अरशद वारसी ने खुद कहा कि कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे और एक्टिंग में भी इतना दम नहीं था तो ये फिल्म हिट नहीं गई है। और तो लोगों का मूड खराब नहीं हुआ है इस बात पर से, क्योंकि इस मूवी में अक्षय की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। अब अरशद वारसी आ रहे हैं बाकी सभी के साथ, तो अब देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वही रिएक्शन लेस वाला या एकदम बेस्ट वाला, तो ये हमें जल्द ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।